और आप देखिए, यूक्रेनी सेना ने मिसाइल से हमला करके रूस के एमुनिशन डिपो को तबाह कर दिया। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर पिछले 15 दिनों में 5,000 से अधिक मिसाइलें दागने का आरोप लगाया। यूक्रेनी सेना की 92वीं ब्रिगेड ने रूस के एक अस्थायी एमुनिशन डिपो को मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया। रूस के हमले के बाद एमुनिशन डिपो में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। हमले में भारी मात्रा में रूसी गोला बारूद खाक हो गया। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी से अब तक 5,000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। साथ ही यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूस ने 1,000 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया है।